निकला था घर से कहीं जाने को, पर मंजिल कम बखत मंजिल न रही। अब कहीं रास्ते में फंसा भटकता बैठा देखता हूं खिड़की से, ये गाड़ियां ये बादल जो चल रहे हैं, ये पेड़ पौधे जो हिल रहे हैं अपनी ही मौज में, बस मैं रुका हुआ हूं इस रास्ते पर। इतने दिन हो गए हैं कि अब रास्ता अच्छा लगने लगा है, मंजिल लगने लगा है। So, this video is all about how I traveled during COVID-19 lockdown in Maharashtra and Goa and everywhere else. सुबह के 8 बज चुके हैं, खूबसूरत सी सुबह कर्नाटक से। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, बस निकला था घर से कल रात 12 बजे गोवा जाने के लिए। करीब 10 से 12 घंटे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने के बाद भूखे प्यासे बिना बायो ब्रेक्स के 12 बजे दोपहर मैं पहुंचा था गोवा पर। उसके बाद उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया। हम बारिश में खड़े उनसे बात करते रहे, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं गोवा में एंटर करने की ये पूछते रहे, बट देयर वाज नो वे आउट, सो वी हैड टू रिटर्न बैक, वी हैड टू गो समवेयर एल्स बिकॉज वी डिडंट वांट टू गो टू बॉम्बे एट दैट टाइम। ये मेरी होटल की खिड़की से वो पहाड़ के पीछे गोवा है। ये कैसे हुआ, ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर ये ना होता तो मुझे वापस बॉम्बे जाना पड़ता। ये ऐसे हुआ क्योंकि हमारा जो ई पास था वो मुंबई से गोवा का था, और जो कर्नाटका है वो बीच में ट्रांजिट स्टेट है, लाइक सो देवर लाइक जितने भी चेक पॉइंट्स आए उनको लगा कि शायद हम गोवा जा रहे हैं, तो कर्नाटक को चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज नोबडी इज एंटरिंग कर्नाटका, वी आर जस्ट passing through the road in our car, which is okay. और वैसा ही हमारा भी plan था, but जब गोवा ने entry deny कर दी और हम वापस जब आ रहे थे, then it was hilarious and tricky situation and also it was mixed, like there was lot of worry and there was lot of fun also. जब हम वापस आए गोवा से कर्नाटका, तो अब गोवा से हम कर्नाटका आ रहे हैं, that means we are entering कर्नाटका, so फर्स्ट चेक पॉइंट जो हमारे जाते समय आखिरी चेक पॉइंट था, अब वो फर्स्ट चेक पॉइंट हो गया। हमारे जाते समय उन्होंने हमसे ज्यादा सवाल नहीं किए बिकॉज दे न्यू यार ये तो जा रहे हैं, इनको जाने दो, हमारे मतलब स्टेट से जा रहे हैं, ये तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम वापस आ रहे थे तो उनको चिंता हुई कि ये हमारे स्टेट में क्यों आ रहा है भाई। उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवा ली, हमें गाड़ी से बाहर निकाला, बोला तुम कर्नाटका में नहीं जा सकते। मैं बोला मैं कर्नाटका में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ। बोला No, you cannot go from here. You cannot enter Karnataka. Oh my God! उस समय मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था। उस समय मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो गया था। और उन्होंने मुझे लिटरली गाड़ी से उतारा और बोला कि आप हमारी स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। यानी कि अब मैं ना गोवा जा सकता था ना मैं बॉम्बे आ सकता था। उस समय मुझे थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए चिंता हुई थी, डर लगा था। वेरी फ्रैंक, बट दो मिनट के बाद मैंने सोचा साला ये बॉम्बे हो या ये इनका कर्नाटक हो या गोवा हो, ये पूरा मेरा ही है, मैं जहां चाहूंगा जाऊंगा, उसको जो उखाड़ना है उखाड़ो। सो दे सेंट मी टू अ डॉक्टर कि पहले तुम अपना टेम्परेचर चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो, तब हम तुम्हें कर्नाटक से बाईपास होने देंगे बॉम्बे तक।
इतना सब किया, एंट्री बैन कर दी, लॉकडाउन कर दिए, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना किधर है? यूएस के बाद इंडिया में। तो क्या हुआ तुम्हारी नौटंकी से? भाई जब आप लॉकडाउन करते हो तो लॉकडाउन कभी भी 100% नहीं हो सकता, और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ना आप लॉकडाउन में रहने वालों को राशन पानी दे रहे हो, ना उन्हें पैसे दे रहे हो, ना कोई उनको हेल्प कर रहे हो, बल्कि उन्हें लूट रहे हो गंदे बिजली के बिल और घटिया अपने हरकतों से, और उनको बकवास करके और पकाते हो। सो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने मेरी इतनी बात सुनी, थोड़ा सा यू नो उनको लगा कि यार दिस गाय इज राइट एंड एवरीथिंग, सो दिस गाय, दिस डॉक्टर who was sitting at the Karnataka and Goa border, he came out to the check post with me, aur unhone, I don't know his name, I don't know who he is, but I'm really thankful to that guy. He came specially to the check post and he helped us. He unhone bakayda unko data instruct kiya ki inhe jane do, inhe mat roko. I don't know what how it happened, I just don't know. That's how I entered Belgaum. Aur ek bar Belgaum mein entry ho gayi, फिर मैंने आपको बताया कि वी वर ट्राइंग टू लुक फॉर वन होटल फ्रॉम द अदर, और हो ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था, और ऊपर से नींद आ रही थी, भूखे प्यासे नींद, इट वाज टू डिफिकल्ट टू हैंडल, बट आई थिंक इट वाज वर्थ टेकिंग द रिस्क द वे आई गॉट इन बेलगाम आफ्टर दैट एंड हाउ आई एक्सपीरियंस्ड एंड लव्ड दिस सिटी. सो आई थिंक दैट रिस्क एंड दिस ऑल द ट्रबल वाज वर्थ टेकिंग. और जब हमें मैरियट ने कमरा दिया, और एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता पहले यही बंगलो वाले हमें नहीं ले रहे थे बिकॉज हम बॉम्बे से आए थे, बट जब इन्हें मालूम पड़ा, मैंने एक हफ्ते बाद इन्हें बोला कि हम एक हफ्ता क्वारंटीन में रह चुके हैं मैरियट में, अब आप हमें बंगलो दे दीजिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी. देन दे ऑफर्ड अस वन एंड वी आर स्टेइंग हियर हैविंग फन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस हैविंग गुड फूड इन ऑल द रेस्टोरेंट्स आउट हियर इन बेलगाम. And I really recommend this city to everyone out there because it's really good. बहुत अच्छा है ये शहर, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा, थोड़े खड्डे हैं, मतलब दे आर मेकिंग सड़क, और कहीं कहीं पे नई और पुरानी सड़क के बीच में एक बम्प सा आता है, वो है, बाकी इट्स ऑल फन, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल परफेक्ट, अच्छा है ये शहर. सो एंड आई रियली लाइक वेदर ऑफ कर्नाटका, इट्स वेरी नाइस. So that's how it is. That's what my story is all about. How I traveled, how I escaped lockdown without COVID negative certificate. Go to hell with your COVID negative certificate, Salo. Logon ko mauj karna. Little message, which was not part of all of this, but I would like to give a message to the governments who are handling this and how. Bhai logon ko mat roko. Logon ko apna kaam karne do. Tum apna kaam karo. देखो लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है इसलिए तुम लॉकडाउन का ड्रामा कर रहे हो. तो हेल्थ केयर पे ध्यान दो ना यार, जब दिल्ली ठीक कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम कोरोना से भी मरोगे और तुम इकोनॉमिक शटडाउन से भी मरोगे. कम से कम थोड़ी अच्छी मौत मर लो. कोरोना से लड़ते लड़ते जाओगे, कम से कम हेल्थ केयर को सुधारोगे, मौका मिलेगा खुद को ठीक करने का. सिर्फ लॉकडाउन में लोगों को पिंजरे में बंद करके बेवकूफों की तरह जो हो भी नहीं पाता, उसका कोई फायदा नहीं. अपनी नौटंकियां, मोमबत्तियां, दिए अपने पास रखो. जस्ट लेट देम गो टू वर्क, लेट देम एंजॉय, जस्ट इंस्ट्रक्ट देम एंड गिव देम हेल्थ केयर. कोरोना इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग व्हेन यू डू नॉट हैव हेल्थ केयर. सो इंप्रूव हेल्थ केयर एंड लेट पीपल एंजॉय एंड लेट इकॉनमी बूम. दैट विल बी द राइट आंसर टू दिस चाइनीज इनकर्शन इन एवरी वे. थैंक यू.